हेलो सिविल इंजीनियर्स, आप मेरे स्क्रीन के पीछे एक ड्राइंग देख रहे होंगे। ये ड्राइंग है हमारे BBS का। क्या आप इस ड्राइंग को रीड कर सकते हैं एज अ सिविल इंजीनियर? अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ड्राइंग रीड करना आना चाहिए। इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि डेटा किस चीज़ के लिए कहाँ कहाँ यूज हमें करना है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अमित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द सिविल गुरुजी इंदौर पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग और बनाते हैं आपको एक बेहतर सिविल इंजीनियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का BBS का ड्राइंग रीड। लेकिन ड्राइंग रीड करने से पहले आपको कुछ ड्राइंग्स में सिंबल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज किया गया है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हम How to read symbol in drawing, यानी कि drawing में हमें symbols के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है plain round bar जिसको हम represent करते हैं phi से। Next आता है हमारे पास plain square bar को हम represent करते हैं simply square shape से। And then next आता है हमारे पास deform bars का जो sign होता है वो होता है हमारे पास H। ये आपको एज अ सिविल इंजीनियर आपको याद होने ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, इन सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास साइन आता है वो आता है एट द रेट का मतलब होता है जितने भी हमारे बार्स हैं उनके बीच में कितनी स्पेसिंग आने वाली है, यानी कि इसमें सीसी का मतलब हो जाएगा सेंटर टू सेंटर, एक बार के सेंटर से दूसरे बार के सेंटर के बीच में कितना स्पेस आने वाला है। अब शुरू करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग। आपको मेरे स्क्रीन के पीछे ये ड्राइंग दिख रही होगी, इसमें काफ़ी सारा डेटा भी लिखा हुआ है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर नहीं है तो इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इस ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए इसमें क्या नॉलेज है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डाटा दिख रहा होगा 5 12 #3+2। भाई ये डेटा लिख तो गया है लेकिन ये है क्या, इसका क्या मतलब है? तो सिविल इंजीनियर के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें 5 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बार, यानी जो भी है हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ बार कितने आने वाले हैं, 5 आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 12 H का मतलब होता है कि 12 mm का बार, और H का मतलब मैंने आपको जस्ट पीछे वाली स्लाइड में बताया ही था कि ये डिफॉर्म बार्स होते हैं, यानी कि 12 mm का डिफॉर्म बार इस बीम के अंदर यूज होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें 3+2। अब ये 3+2 क्या है, 3+2 का मतलब है कि इसमें बार तो हमारे पास 5 यूज होने वाले हैं लेकिन हम 5 को पैरेलली एक साथ नहीं लगाते। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर हमको पैरेलली एक साथ लगा देंगे तो इनके बीच में स्पेसिंग हो जाएगी कम, और जब हम इसमें कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो कॉन्क्रीट इसमें ठीक तरीके से फिल नहीं हो पाएगा। इस चीज से बचने के लिए हम इनको ऊपर और नीचे करके लगाते हैं, यानी कि 3 बार ऊपर आने वाले हैं और 2 बार इसके जस्ट नीचे आने वाले हैं। अब आपको इसमें दिख रहा होगा एक नए तरीके का डाटा जो इस बीम के नीचे दिया गया है। इस डाटा का मतलब क्या है, इस डाटा का मतलब समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है 8 H LG ST। अब ये LG ST का मतलब क्या है, LG ST का मतलब होता है लेग स्ट्रक्स, जिसमें 8 130 cc का स्पेसिंग दिया गया है। 8 H का मतलब हो गया है 8 mm का बार इसके अंदर यूज होने वाला है, और वो बार हमारा कैसा रहेगा, डिफॉर्म बार। नेक्स्ट हमारे पास इसमें 2 leg stub। 2 leg stub का मतलब जो भी हम अपना रिंग बनाने वाले हैं, जो भी हम अपना स्ट्रक्स बनाने वाले हैं उसमें 2 leg वाला होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इसकी स्पेसिंग, जो भी हम बीम के अंदर अपना स्ट्रक्स लगाने वाले हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 130। यही इसमें अब मैंने आपको ड्राइंग में शो कर दिया कि 8 H का मतलब सो दी डाई ऑफ दी बार 2 leg stub, सो दी 2 leg stubs एंड 130 स्पेसिंग, सो दी स्पेसिफिक स्पेसिंग ऑफ दी बार। तो देखा आपने इस ड्राइंग को रीड करना कितना आसान था। अगर आप भी इस तरह की ड्राइंग को रीड करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टार्ट होता है हर महीने की 1 तारीख को। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111001234 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।